हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए मित्र है या फिर कैसे हमारे लिए दुश्मन है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने आसपास देखा है, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट और एनिमल हमको दिखाई देते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इधर से उधर हमको जाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो प्लांट एनिमल के अलावा कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स अर्थ पर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, है ना, हम उन्हें देख नहीं सकते। तो जो ऐसे चीज जो आँखों से दिखाई नहीं दे लेकिन वो पृथ्वी पर है, है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो वेरी माइन्यूट होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग होता है। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दूध में थोड़ा सा दही को डाल दिए तो थोड़ा सा देर में ही दही पूरा दूध जो है वो दही में बदल जाता है, और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। कोई भी चीज़, फंगस को देखते हैं, ब्रेड वगैरह रख दिए, वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का कुछ अपीयरेंस आ जाता है। तो ये सब जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है ना। हमारे आसपास रेनी सीजन में वही ब्रेड है स्पॉइल हो जाता है, उसके सरफेस पर ब्राउन कलर का लग गया, तो ये सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। अब एक्टिविटी के तौर पर आपको दिखा रहा है कि कुछ सैंपल मॉइस्ट सॉइल का कलेक्ट कीजिए, है ना, और क्या कीजिए, उसमें कुछ पानी डालिए और तब देखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कुछ दिखाई दे सकता है। हमें कह रहा है कि हमारे आसपास पृथ्वी पर बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और उनकी प्रकृति, व्यवहार, सब कुछ जो होता है वो अलग अलग होता है। इसके आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कई सारे कैटेगरी में बांट दिया गया है। ये इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से दिखाई नहीं दे सकते हैं, है ना, इसलिए हम लोग ब्रेड के ऊपर बस ब्राउन इस कलर का अपीयरेंस इसलिए देख पाए क्योंकि वो क्या हो गया कि कॉलोनी में अरेंज हो गया था। और इसको देखने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, है ना, वायरस, ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है। वायरस जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये जो है हमारे अर्थ पर डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि अगर ये हमारे बॉडी से बाहर जब तक एनवायरनमेंट में है तो बस ये केमिकल क्लस्टर होता है, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये इंटर करता है तो वो क्या करने लगता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी हमारे अंदर होती है, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, और है कफ है, वायरस से होता है। इसके अलावा भयानक बीमारियों में पोलियो, चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा क्रिएट होते हैं। बहुत सारा डिजीज, डिसेंट्री, मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ के द्वारा क्रिएट होते हैं। बहुत सारा टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया, मतलब जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप लोगों ने नाम सुना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोअन, है ना, एल्गी, ये सब भी हमारे अंदर बीमारियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखिए, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। बैक्टीरिया को आप देख रहे हैं, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ना, बैसिलस बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया गोल होते हैं, उनको कोक्कस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कौमा के आकार के होते हैं, उनको विब्रियो कहा जाता है ना। और कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको स्पायरल बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया के अलावा यहाँ देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगली प्रजातियाँ क्लेमाइड एल्गी के ग्रुप में है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है, ये अमीबा का डायग्राम है, ये पैरामीशियम है, अमीबा एक इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम इसमें माउथ नहीं होता है, पैरामीशियम में माउथ होता है, इसमें लोग चलने फिरने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सीडोपोडिया होता है, और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सीलिया है। ये दोनों अपने फूड का निर्माण नहीं करते हैं, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, डायटम्स पर, है ना, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं, जबकि ये स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना बना सकते हैं। यहाँ देखिए ब्रेड पर उगने वाला मॉल्ट्स का डायग्राम है। ये पेनिसिलियम नामक फंगस है, इस पेनिसिलियम से
पेनिसिलियम नोटेटम से हम लोगों को एंटीबायोटिक बनाया जाता है। सबसे पहला पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इसी से बना था। एस्परजिलस फंगी का दूसरा टाइप है। सब माइक्रोस्कोपिक डायग्राम आप देख रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए वेरियस पर्पस के लिए यूज होता है घर में, हमारे प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कर्ड है, ब्रेड है, केक है, ये सब बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस है ना का यूज किया जाता है बैक्टीरिया का, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं, केक बनाने के लिए ईस्ट का। ईस्ट क्या करता है कि वो आटा वगैरह में अगर हम लोग मैदा में डाल देते हैं इसको, तो वहाँ उसको खाता है और एनएरोबिकली सांस लेता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यह CO2 रिलीज करता है, जिसके वजह से ब्रेड जो है और केक पफी हो जाता है, फूल जाता है। इसके अलावा अल्कोहल का निर्माण जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है। ये देखिए एक वायरस का डायग्राम है, वायरस कितना सुंदर देखने में लग रहा है ना। तो ये वायरस का है, ऊपर वाला हेड है, नेक है ना, और ये हिस्सा टेल रीजन है, स्पाइंस की तरह दिखाई दे रहा है, जिसकी सहायता से ये अपने आप को किसी जगह पर फिक्स करने का काम करता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। जैसे कि पल्सेस, मतलब जितना सारा पल्सेस वगैरह है उसके रूट में पाया जाता है, लेगुमिनस रूट होता है उसका, और उसके रूट में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है उस प्लांट के अंदर। उसके वजह से प्लांट क्या करता है, तो उसके वजह से प्लांट जो है वो बना लेता है प्रोटीन, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉइल की फर्टिलिटी को जोड़ बढ़ाने में मदद की, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर रहा है ये। अब देखें इतना सारा हमारे लिए लाभदायक है, बीमारी तो हुई ही, साथ में हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद भी साबित हुआ। तो इस वजह से कह सकते हैं कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाभदायक भी है, हार्मफुल भी है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, तो यह कॉस्मोपॉलिटेंट है, यह पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है। सिंगल सेल होता है ना, इसके अलावा मल्टी सेलर भी होता है। तो यह पृथ्वी पर हर कोने में पाया जाता है, चाहे वह बर्फ हो, चाहे वह घाट स्प्रिंग का झरना हो, है ना, या फिर आपका आइस जैसा ठंडा जगह है, किसी भी क्लाइमेट में रह सकता है, डिजर्ट में रह सकता है, मार्सी लैंड में रह सकता है। अंतर यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहा है आइस में, वो कभी भी वो लैंड पर नहीं रह सकता। मैंने हैबिटेट अलग अलग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हम देख ही रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर आपको दिया गया है शुगर वगैरह हमें डालने के लिए जो बताए थे, है ना। मैदा रेज्ड हो गया बैक्टीरिया डालने से, ईस्ट डालने से फूल गया है, देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, रेस्पिरेशन के रूप में करता है तो रिलीज होता है। कमर्शियल यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी बहुत सारा है, पता ही दिए इससे क्या होता है, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल वगैरह, विनेगर जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड को, वो बनाया जाता है ना, सिरका वगैरह जिसको कहते हैं, अल्कोहल, वाइन, ये सब बनाया जाता है इससे। दवा के बारे में बताएं, मेडिसिनल यूज के बारे में, कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ने क्या किया, तो इसका यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दवा के रूप में। एंटीबायोटिक बनाया जाता है, टैबलेट बनाया जाता है, कैप्सूल बनाया जाता है, इंजेक्शन बनाया जाता है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये एंटीबायोटिक की सबसे पहले खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना, क्योंकि वो बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश में ग्रो करवा रहे थे, और पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रो करवाते समय वो दूसरा ग्रो कराने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो बैक्टीरिया कुछ रह गया था एक पेट्री डिश में, उसी में उन्होंने कुछ फंगस जैसे कि प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद बैक्टीरिया वाला एक पेट्री डिश को उन्होंने छोड़ दिया, 2-3 दिन छोड़ दिया, तो देखा कि वहाँ पर फंगस ग्रो हुआ है, और फंगस ने क्या किया, बैक्टीरिया को पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया। तो उन्हें पता चला कि फंगस में ऐसी शक्ति होती है कि बैक्टीरिया को वो कोलैप्स कर सकते हैं, और जब उस फंगस का पता लगाया तो वो पेनिसिलियम नोटेटम था। इस तरह से पहला एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन बना, और उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया।
बहुत सारा है, कुछ एंटीबायोटिक का नाम सुने, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एक्टिनोमाइसिन है, सिफाटैक्सिम है, ये सब एंटीबायोटिक्स है जिसका प्रयोग किया जाता है हमारे हमें को बीमारी से बचाने के लिए। इसी तरह से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, उन्होंने क्या किया था, तो वैक्सीन की खोज की थी पैक्स के लिए। वैक्सीन में क्या करते हैं, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है, वैक्सीनेशन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही डेड या फिर बहुत ही फ्यू नंबर को हमारे शरीर में जैसे कि हमको पहुंचा दिया जाता है, जैसे कि हमको मान लेते हैं कि बचाना है पोलियो से, तो पोलियो से बचाने के लिए हमारे छोटे बच्चों के शरीर में पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। पोलियो ड्रॉप में 1 से 2 पोलियो काउज करने वाले पोलियो माइलाइटिस बैक्टीरिया को ही हमारे शरीर में, पोलियो माइलाइटिस वायरस को ही हमारे शरीर में क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। और ये वायरस हमारे शरीर में पहुँच करके हमारे शरीर को पहचान करवाते हैं इस वायरस से, और हमारे अंदर के एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिवेट होकर के इसको पहचान लेते हैं, और फ्यूचर में जब भी कभी हमारे ऊपर बैक्टीरिया का इस सर्टेन तरह के स्ट्रेन का अटैक होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये कौन, जो हमारे अंदर पहुंचाए गए थे एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज। ठीक है, तो वैक्सीन को हम लोगों ने समझा, वैक्सीन में हम लोगों को वही चीज़ को पहुंचा दिया शरीर में जाता है जिससे कि हमें बीमारी उत्पन्न होती है, और हमारा शरीर उसको पहचान करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हम उस बीमारी से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले कुछ बैक्टीरिया का डायग्राम दिया गया है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम है, सियानोबैक्टीरिया कहते हैं इसको। हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो है, हमारे बैक्टीरिया प्रोटोजोअन्स जो है हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ करने का काम करते हैं। कैसे, तो देखिए जैसे कि कोई भी जानवर मर गया, कोई पेड़ गिर गया, तो उसको खाते हैं ये बैक्टीरिया, खा करके क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर को वापस सॉइल में जोड़ते हैं, और उसी सॉइल से वापस प्लांट जो है न्यूट्रिएंट के रूप में उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट भी प्योर हो गया और हमारे यहाँ न्यूट्रिएंट साइकिल भी कंटिन्यू रह गया, है ना, तो इस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो गए, यानी कि ये डेट्री भोरस का काम करते हैं। इसके अलावा जो है बैक्टीरिया के हार्मफुल कैटेगरी को आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया जो भी बीमारी उत्पन्न करते हैं उन सारे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जो भी पैथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी उत्पन्न करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, पैथोजेंस कहा जाएगा। पैथोजेंस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और डिजीज काउजिंग एजेंट होते हैं, शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर डिजीज जो है वो 2 कैटेगरी का है, एक क्या है तो कम्युनिकेबल है, दूसरा क्या है नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल डिजीज वैसे डिजीज होते हैं जो किसी भी मींस से, एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कांटेक्ट से हमारे अंदर पहुंच जाते हैं, वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। जैसे कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब जो है कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। स्नीजिंग, कफिंग, है ना, या फाइन ड्रॉपलेट्स जो हम लोग कफ के समय छोड़ते हैं उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में ये जाएंगे तो उनको भी बीमारी उत्पन्न करा देते हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहते हैं, तो वैसे डिजीज जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं फैलता है। जैसे किसी आदमी को डायबिटीज़ है तो बगल वाले पर्सन को डायबिटीज़ नहीं हो सकता, किसी का किडनी फेलवर है तो दूसरे को किडनी फेलवर नहीं हो सकता है, है ना, ये सारा है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये डिजीज काउजिंग कम्युनिकेबल डिजीज को और दूसरे चीज़ को, बीमारियों को पहुंचाने के लिए जो कैरियर्स भी होते हैं जो बीमारी को पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी को मलेरिया है, है ना, मलेरिया हमारे बॉडी के अंदर है, दूसरे आदमी के अंदर कभी भी कम्युनिकेट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई कैरियर मिल जाए तो वो उसको ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो अगर बाइट करे मलेरियल पेशेंट को और दोबारा किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर ले तो वह आदमी भी जो है बीमारी ग्रस्त हो जाएगा, यानी कि ये वेक्टर हो गया, कैरियर हो गया बीमारी को पहुंचाने वाला। इसी तरह से एडिस मॉस्किटो है, है ना, ये हमारे अंदर क्या करता है, डेंगू वायरस को फैलाने का काम करता है, डेंगू फैलता है हमारे अंदर, तो एजेंट है ये, वेक्टर है जो बीमारी को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। अब ये याद रखें, मलेरिया जो है और ये एडिस मच्छी,
ये मलेरिया वाले जो है वो गंदे पानी में जब गिर रहते हैं ये मॉस्किटो, और वहीं से बीमारी को फैलाते हैं दूसरे क्रिएचर्स में। जबकि डेंगू वाले जो है वो स्वच्छ जगहों में रहते हैं, साफ जगह पर जहाँ भी स्टेगनेंट वाटर रहेगा वहाँ पर ये ग्रो होते हैं और हमारे अंदर बीमारी फैलाने का काम करते हैं। अब ये देखिए ह्यूमन के अंदर काउज होने वाले कुछ डिजीज़ के बारे में है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया से होता है। कैसे ट्रांसमिट होगा हमारे तक, कैसे पहुंचेगा ट्यूबरकुलोसिस, तो एयर के द्वारा, है ना। पेशेंट को इसमें आइसोलेट रखना, इसमें क्या होता है कि आदमी को काफ़ी खांसी आती है, काफ खांसी के साथ साथ ब्लड वगैरह मुंह से निकलता है, ठीक है। दूसरा है मिजिल्स है, ये वायरस से फैलता है, एयर ट्रांसमिट करता है इसको मिजिल्स। दूसरा चिकन पॉक्स है, और चिकन पॉक्स जो है वो भी वायरस से फैलता है, एयर या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। पोलियो वायरस से फैल, एयर से फैलता है, वाटर से फैलता है। तो ये चारों बीमारी जो हम लोगों ने पढ़ा है इनका वैक्सीन अवेलेबल है, इससे हम लोग प्रोटेक्ट हो सकते हैं। कोलेरा हो गया, कोलेरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे कोलेरा और टाइफाइड, है ना। कोलेरा जो होता है विब्रियो कोलारी बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसको ट्रांसमिट कौन करता है, वाटर या फूड या फिर बस यही दो। और इसके लिए कोलेरा टाइफाइड से बचने के लिए अच्छा खाना, स्वच्छ खाना, गंदा खाना से बचना चाहिए, कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, बॉयल करके पानी को पीना चाहिए, साथ में वैक्सीन लगाना चाहिए हम लोगों को। हेपाटाइटिस ए है, ये भी वायरस से फैलता है, ट्रांसमिट होता है गंदे पानी से, पानी को दूसरे जगहों में हम लोगों को क्या करना है, बॉयल करके पीना है। मलेरिया है, प्रोटोजोआ से फैलता है, आप कहते हैं आप मच्छर काटने से फैलता है, फिर कहते हैं प्रोटोजोआ से फैलता है। तो मलेरिया काट फैलता है किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा, लेकिन मॉस्किटो रखता है एक प्रोटोजोअन को जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अगर मॉस्किटो के अंदर प्रोटोजोअन रहेगा प्लाज्मोडियम, तभी मलेरिया जो है दूसरे क्रिएचर को फैलेगा, ठीक है। बुखार आता है इसमें, इंटरवल पर फीवर आता है। इतने हम लोगों ने देखा कुछ डिजीज के बारे में, यहाँ देखा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच, 1876 में इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। पहला बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेक्सिस था, और यह एंथ्रेक्स डिजीज को काउज करता था। अब देखिए कि प्लांट के अंदर भी डिजीज काउज होते हैं ह्यूमन की जैसे, है ना, वो भी जैसे कि वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बहुत सारे डिजीज काउज होते हैं। जैसे देखिए नींबू के पौधे में साइट्रस कैंकर नामक बीमारी होती है ना, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। रस्ट ऑफ वीट, गेहूं की बाली काली पड़ जाती है, फंगस के द्वारा होता है, एयर इसको ट्रांसमिट कराता है। येल्लो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, है ना, वायरस के द्वारा होता है, इंसेक्ट फैलाता है इसको, पूरा भिंडी का पत्ता पीला पड़ जाता है। इसके अलावा हमारे लिए क्या है कि अगर हम लोग कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं, तो कंटामिनेटेड फूड मैंने बासी खाना है, उसके ऊपर फंगस ग्रो हो गया है ना, तो ये फंगस जो है एक खास तरह के विष को क्रिएट करते हैं फूड के ऊपर, जिसको एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, है ना। और यह तैयार होता है एक खास बैक्टीरिया से जिसको क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिकम कहा जाता है, और यह हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग का क्रिएट करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पेट में जब पहुंचते हैं तो पेट में दर्द, है ना, काफ़ी परेशानी, बेचैनी, ये सब होता है। फूड को स्पॉयल होने से बचाने के लिए उसको प्रिजर्व करना चाहिए हमें। फूड के प्रिजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं, तो फूड को प्रिजर्वेशन कई तरीके से कर सकते हैं। फूड का नेचर कैसा है, इस आधार पर हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका फूड जो है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसको स्टोर करना है, हमको प्रिजर्व करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज के तैयार के रूप में इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, 10 डिग्री से बिलो टेम्परेचर को रखेंगे, जिससे कि वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ख़राब नहीं हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चावल को स्टोर करना है, तो चावल को स्टोर करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, चावल को स्टोर करने के लिए उसके अंदर ले मॉइस्चर का लेवल 14% से नीचे कर देना है, सुखा देना है उसको, और फिर उस जगह को मॉइस्चर फ्री रखना है जहाँ पर उसको हम लोग स्टोर करने वाले हैं। अब कुछ ऐसे भी चीज़ है जैसे घर में हमारे बने हुए हैं, उसको भी हम लोग प्रिजर्व करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि आम का अचार बनता है, तो आम के अचार को बनाने के लिए सबसे पहले आम को काट करके उसको क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं, जिससे उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और धूप उसको सुखा देता है।
तो वाटरलेस रहेगा तो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। उसके अलावा उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयल डाल देते हैं, दोबारा एयर का कांटेक्ट उससे हो नहीं पाता है, एयर जाएगा तभी खराब होगा, है ना, ऑक्सीडेशन होगा फूड का तो वो खराब होगा। तो प्रिजर्वेशन बाई कॉमन साल्ट हम लोग एक देखे, और जैसे बनाते हैं क्या जैम जेली बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि फ्रूट्स में हम लोग को शुगर को ऐड कर देते हैं, तो शुगर भी वहाँ से वाटर को रिमूव कर देता है और उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर के लेवल को घटाता है, तो सुरक्षित हो जाता है। ऑयल के द्वारा हम लोग देखे फिश मीट वगैरह को, ऑयल के द्वारा हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग देखे कि सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे अब मिल्क है, मिल्क के लिए एक पास्चुराइजेशन मेथड होता है। पास्चुराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक सबसे पहले 15 से 30 सेकंड तक खौलाते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं एकाएक उसको 0 डिग्री पर ले जा करके ठंडा करते हैं। तो होता क्या है इस मेथड में कि बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो 70 डिग्री टेम्परेचर में मर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाई टेम्परेचर में नहीं मरते हैं, तो वो आकर के लो टेम्परेचर में मर जाते हैं। इस तरह से दूध हमारा शुद्ध रहता है और लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। तो हम लोगों ने देखा इतना सारा प्रिजर्वेशन का मेथड, और चावल और फ्रूट्स के प्रिजर्वेशन के लिए हम लोगों ने देखा कि इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और ड्राई स्टोरेज दो तरह का स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर हमारे पास चावल है तो चावल का ड्राई स्टोरेज जब कर रहे हैं तो इसके लिए बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं जिसको साइलोज कहा जाता है, वहाँ पर मॉइस्चर का लेवल को मेंटेन रखा जाता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो ना हो पाए इसका ध्यान रखा जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो भी लेगुमिनस प्लांट के रूट है उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को खींच करके उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर उससे प्लांट जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है प्लांट के द्वारा, ठीक है। नाइट्रोजन प्लांट के लिए काफ़ी ज़रूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए, और साथ साथ प्लांट अगर प्रोटीन बनाता है तो इसके लिए। देखिए यहाँ पर गांठ दिखाई दे रहा है रूट के अंदर, है ना, तो ये जो गांठ आपको दिखाई दे रहा है इस गांठ के अंदर ही वो लेगुमिनस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और वही यहाँ पर क्या करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन साइकिल को आप डिटेल में देखिए, नाइट्रोजन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। पूछिएगा क्या ज़रूरत है हमारा नाइट्रोजन का, एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा 78% ये पाया जाता है, ऑल लिविंग के लिए ज़रूरी है, हमारा सेल इसी से बनता है, बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर में साइकिल के रूप में भी घूमते रहता है। नाइट्रोजन साइकिल को देखिए, सबसे पहले जो है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को इस तीर के निशान को देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, और फिर प्लांट जो है उसको ले लिया, ठीक है। फिर क्या है कि बैक्टीरिया कंपाउंड नाइट्रोजन जो है बहुत सारे कंपाउंड इसको पहले तो प्लांट में फिक्स कर दिया, प्लांट से ये या फिर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्टली सॉइल में भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो वो जो है नाइट्रोजन फिर गैसियस फॉर्म में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको तोड़ करके एटमोसफेयर में भी मुक्त कर सकते हैं, या फिर प्लांट के अंदर जमा हुआ तो प्लांट से एनिमल खाएगा, एनिमल से जो है वेस्ट मटेरियल के रूप में या एनिमल के डेथ के बाद वो वापस कहाँ पहुँच जाएगा, सॉइल के अंदर पहुँच जाएगा, है ना, इस तरह से हो सकता है। तो ये इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाते हैं जब लाइटनिंग वगैरह होता है तो, और फिर ये बना लेते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड और बारिश के रूप में सॉइल में आ जाते हैं, सॉइल से फिर प्लांट ले लेगा, प्लांट से फिर एनिमल ले लेगा, एनिमल से फिर उनका डेथ होगा, फिर ये वापस सॉइल में पहुँचेगा। तो इस तरह से ये चक्र जो है चलते रहता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। हम लोगों ने एल्गी एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा। अब देखें यहाँ पर एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज़ में डिफरेंस आपको पूछते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो लेबोरेटरी में बनाया हुआ केमिकल्स है जो हमको डिफरेंट तरह के डिजीज से बचाता है। एंटीबॉडीज एक केमिकल है जो हमारा बॉडी बनाता है और हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करता है। कैरियर किसी भी पैथोजेंस को ढोने वाला जो हो गया वो कैरियर कहलाएगा। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, अगर ईस्ट और बैक्टीरिया जो है वो क्या करे कि ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ दे, इथाइल अल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं। लैक्टोबैसिलस कौन है, तो आपका दही जमाने वाला बैक्टीरिया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पास्चुराइजेशन आपने देखा,
प्रिजर्वेशन सुरक्षित रखना, फूड वगैरह को, राइजोबियम वैक्सीन क्या है, टीका है जिसके द्वारा हम लोग डिजीज से बचते हैं। वैक्सीन तब लगाया जाता है जब बच्चे छोटे होते हैं। वैक्सीन डिजीज को हमारे अंदर घुसने से रोकता है, और डिजीज होने के बाद हम लोग एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा। अगर आप हमेशा इस चैनल से अपनी सिलेबस की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके लिए चैनल को जैसे ही खोलेंगे बेल आइकॉन बटन वहाँ दिख रहा है लाल कलर का, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब को दबा दें, इसकी सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।